विकी कौशल अपने उरी जैसे किरदार के साथ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं, हम सबसे ये पूछने कि हाउ इज द जोश। लेकिन सैम बहादुर का उनका किरदार उरी से काफी अलग है। उसमें भी खास तौर पर उनका जो बात करने का तरीका है वो सबसे अलग है। और जब टीजर देखा तब तो मानो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि बैटल सीन्स को इतने अच्छे से शूट किया गया है कि हमें ऐसा ही फील हो रहा था कि हम वहीं पर मौजूद हैं। इसके साथ ही मेघना गुलजार की इस डायरेक्टोरियल बायोग्राफिकल मूवी को रियलिस्टिक और ऑथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने रियल इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ शूट किया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस मूवी में हमें रियल आर्मी ऑफिसर्स नज़र आने वाले हैं, जो मूवी में एक अलग तरह की यूनिकनेस और रियलिटी को ऐड करने वाली है। सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसे उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया जा रहा है। ये मूवी हमें इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए साल 1971 के वॉर वाले एरा में ले जाने वाली है, जिस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया था। और इंडियन आर्मी में ये पोजीशन काफ़ी कम ऑफिसर्स को ही दी जाती है। और हमारी हिस्ट्री में आज तक सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल बने हैं, जिनमें से पहले थे सैम मानेकशॉ, जिन्हें उनकी बहादुरी और डेडिकेशन की वजह से सैम बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। विकी कौशल को सैम बहादुर का जो लुक दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप सैम बहादुर की रियल फोटो देखेंगे और फिर विकी का मूवी में लुक देखेंगे तो आपको इन दोनों में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आएगा। साथ ही मूवी के टीज़र को देखने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि सानिया मल्होत्रा सैम बहादुर की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, जो उनकी ज़िंदगी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा थी और एक सपोर्टिव वाइफ भी थी। और साथ ही फातिमा शेख इंदिरा गांधी जी का रोल प्ले कर रही हैं। और मूवी के टीजर ने हमें मूवी की स्टोरी क्या होगी जानने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। और अब हमें इंतज़ार है 1 दिसंबर का, जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली है और रणबीर कपूर की एनिमल के साथ क्लैश होने वाली है। और जो ऑडियंस इस मूवी को देखना पसंद करती हैं वो इस मूवी को देखना ज़रूर जाने वाली हैं। और मूवी के टीज़र को मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि मूवी काफ़ी अच्छी कमाई करेगी। खैर, आप बताओ आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। बाय।